जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने भारतीय सेना को एक ऐसा बयान दे दिया कि हंगामा मच गया है। जहां कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें हमारे जवान चीनी सैनिकों को जमकर कूट रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे जवानों को अरुणाचल में पीट रहे हैं। अब कांग्रेस इस बयान को कैसे डिफेंड करती है ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर हमारे जवानों पर निशाना साध रहे हैं कि वो कमजोर हैं और पिट रहे हैं। हमारी सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा किया है। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, उसके बाद कैसे राहुल गांधी को लताड़ लग रही है वो भी आपको दिखाते हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। सुना आपने कैसे राहुल गांधी बता रहे हैं कि हमारे जवानों को पीटा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को लेकर भी बयान दिया और कहा कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार सो रही है। अब इसी पर जवाब देते हुए भाजपा ने बड़ा हमला किया। राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि सीसीपी का मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस का चाइना प्रोपेगेंडा भी कहलाता है, और आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा, आई नीड चाइनीज एमओयू एंड आई नीड चाइनीज मनी है। शायद ये एमओयू के वजह से ही बार बार राहुल गांधी चीन के विषय में दुष्प्रचार फैलाते हैं और भारत की सेना के मनोबल पर ही चोट करने का दुस्साहस करते हैं। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट कर आ गए, ये दिखाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उसे फर्जिकल कहना, खून की दलाली कहना, कहना कि चील कौवे मरे, या आज जब गलवान से लेकर तवांग तक हड्डी तोड़ पराक्रम हमारे सैनिकों ने दिखाया है, तो उनके साहस और शौर्य पर सवाल उठाने का दुस्साहस और महापाप राहुल गांधी ने किया है। और ये वही राहुल गांधी है जिसके परिवार ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दी अक्साई चीन में, जिसके शासन काल में एमओयू साइन हुए, आर्थिक हितों का समझौता हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने टीआर पंगना, धूम चेली, डेमजॉक, इन सारी चीजों को दे दिया, बार बार इंकर्जन करने दिया और कोई भी मुंहतोड़ रिस्पांस नहीं दिया। आज जब गलवान हो या तवांग हो, हड्डी तोड़ रिस्पांस हमारी सेना ने दिया है। जब एलएसी के ऊपर आज अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर प्राथमिकता दी गई है, तो जिसकी सरकार ने कहा कि एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, वो आज भारत की सेना के मनोबल पर फिर से चोट कर रहा है, और आईएनसी मतलब आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा। वहीं भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तंज कसते हुए एक फोटो अपलोड की जिसमें लिखा है, विदेश महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, आचार्य चाणक्य। विजयलक्ष्मी इधर राहुल जी, हम मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हूँ। हम पूछ रहे हैं चाइना पर। नहीं नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही पूछ रहा हूँ। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है, भारत जोड़ो यात्रा में आप है, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्शन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप
आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचने की भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है।